सर मैं एक्चुअली एक स्टोरी कर रहा था, तो उसपे सर आपसे बात करना चाह रहा था। किसी ने नंबर दिया था आपका। नहीं, एक बार अपना परिचय आप सुना दें। अंकुर नाम है मेरा। ओके। हितवाद अंग्रेजी अखबार है, आप जानते हो शायद, हितवाद करके। हाँ, जानता हूँ। हाँ, मैं वहाँ पे रिपोर्टर हूँ सर, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। ओके। मैं एक स्टोरी कर रहा था, तो आपके कोई जानने वाले हैं, उन्होंने नंबर दिया था उस स्टोरी में, मार्गदर्शन के लिए थोड़ा सा आपसे। हाँ हाँ सर, एक स्टोरी ये थी कि अभी PHQ ने एक मतलब फंड निकाला है 2000 रुपए का एनुअल मेडिकल चेकअप का, मतलब कॉन्स्टेबल से लेकर के नीचे के जो स्टाफ है आपका, मतलब हाँ। खाने तक का है, थोड़ा सी ऊपर तक के लिए एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए 2000 रुपए ये देंगे, वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निकाला है। ओके। सर ये बताओ सर, ये अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको, या कहें कि मतलब आजकल मेडिकल चेकअप 2000 रुपए में तो होता ही नहीं, कोई मेडिकल चेकअप कहीं पर भी जाओगे आप तो 2000 रुपए में नहीं हो सकता, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अच्छे हॉस्पिटल से एग्रीमेंट किया जा सकता है, और इतना मास जो है आपको बिजनेस मिल रहा है तो वो निश्चित रूप से 2000 में हो सकता है। ये अच्छे हॉस्पिटल से कैसे, हर ये तो पूरे स्टेट का है। अरे भाई, मेरा ये कहना है कि जिसको भी बिजनेस मिलेगा, जैसे कि CGHS एम्पैनल करती है, ऐसे ही हम हॉस्पिटल को एम्पैनल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और जब हम किसी हॉस्पिटल को एम्पैनल करें तो उसकी क्रेडिबिलिटी को भी देखें। सर एक बात बताओ, आप बंसल को करा, आप भोपाल में रहते हो, अगर सपोज सर कोई अच्छा हॉस्पिटल है भोपाल का, कोई सा भी अच्छा, बंसल तो ये कह रहे हैं कि बंसल को क्यों करना है, जिसका पेट भरा हुआ है वो जो है ना आपको आपको अच्छी सर्विस नहीं देगा, वो धंधा कर रहा है, वो जो है ना जितनी देर में आपके जवान को 2000 में अपना बिजनेस देगा, उतने में जो है ना किसी से वो 10000 चैप लेगा। ठीक है ना। तो जो जो 10000 चैपने की स्थिति में उसको जाने दो, 10000 चैपने दो। आपको जनरल मेडिकल चेकअप कराना है तो जो आपके लिए मास में अच्छा ढंग से करे, और अपन उसके लिए जो है ना वो भी रखें कि उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो देर शुड बी ए वेरी मैसिव पर्सनल पेनल्टी, जिससे कोई तो मतलब नहीं। ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि हर हर किसी के खाते में लगा, मतलब हर किसी को 2000 रुपए साल में वो करा ले और डिपार्टमेंट नहीं। देखिए, ऐसा करेंगे तो फिर लोग बिना मेडिकल चेकअप कराए वैसे ही कह देंगे कि मेडिकल चेकअप हो गया, राइट? तो उससे जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। मकसद नहीं, नहीं, मकसद देखिए 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 पहले तो इस बात को अप्रिशिएट करिए कि एक ऐसी सोच रखी गई है कि सभी का चेकअप होता है, ठीक है ना? दिस इज गुड, राइट? वैसे कायदे से देखा जाए तो ये वेलफेयर की जगह ये शासन की जिम्मेवारी होना चाहिए। हाँ, वेलफेयर का मतलब है कि जवान का अपना पैसा जा रहा है, ऑफिसर का अपना पैसा जा रहा है, डिपार्टमेंट का पैसा जा रहा है बेसिकली। हाँ, नहीं नहीं, डिपार्टमेंट का बिल्कुल नहीं है। जो वेलफेयर होता है ये हम लोगों का पर्सनल कलेक्शन होता है, हम लोगों का पर्सनल पैसा कटता है, या जो विभाग अपनी वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से जो पैसा कमाता है वो शासन का बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा। वो विभाग का अपना पैसा है, जवानों का है, या जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उन जो पैसा अर्न करती हैं, जैसे हमारे पेट्रोल पंप है तो जो पेट्रोल पंप जो है ना जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो सरकार का थोड़ी है। हाँ। तो जो या तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन है जो हमने अपने वेतन से कटवाया है, जी, या जी, हमें स्कीम के तहत हमने जो है कुछ प्रॉफिट जनरेट किया है, राइट? तो हाँ, तो वो पैसा जो है शासन का नहीं कहलाएगा, वो विभाग का पैसा कहलाएगा, ठीक है ना? और हाँ, विभाग में भी वो विभाग का व्यक्तिगत पैसा है, कलेक्टिव पैसा है, जवानों का पैसा है, अधिकारियों का पैसा है, राइट? हाँ, हाँ, तो जवान स्वस्थ रहे क्योंकि उसका मेडिकल रीइंबर्समेंट करना सरकार की जिम्मेवारी है, लिहाजा ना केवल जो है ना उसका चेकअप कराया जाए बल्कि ये सुनिश्चित किया जाए कि वो स्वस्थ रहे। अभी तो एक मैं इसको एकदम डिफरेंट डायमेंशन पे ले जाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश के साथ इतनी दुष्टता हो रही है कि चारों तरफ केमिकल परोसा जा रहा है। यदि जो है हमने इसको बदलाव नहीं किया जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है, तो आपको मालूम है 2029 तक इस देश के 66% लोगों को कैंसर या ऑटोनोमस डिसीज हो जाएगी। यदि देश के हम तो पूरा देश कह रहे हैं, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि देश का 66% पॉपुलेशन को यदि कैंसर या ऑटोनोमस डिसीज होगी, इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 लोग कैंसर या ऑटोनोमस डिसीज से पीड़ित होंगे, तो तीसरा व्यक्ति उसकी देखरेख करेगा कि नहीं करेगा?
उसमें सही बात है, परेशान उसमें होगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल उस समय, उस समय आपकी स्थिति कैसी होगी? तो क्या सरकार इतनी असंवेदनशील है कि उसकी क्या नीतियों में व्यस्त है, सिर्फ जीतने में व्यस्त है कि जो है ना, और जीत भी कैसे रही है? दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, आप ये बताइए ये अपराध है कि नहीं आज की दृष्टि में? सर बहुत भयंकर, मतलब तो ये बताइए कि ये हम कैसी सरकार बना रहे हैं जो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जिसको मैं चुनूं वो मेरी बात करे। हाँ। तो आज आज जो है आप अपराध घटित करके पहले तो वोट कबाड़ रहे हो, और हाँ। जैसे भी वोट कबाड़ रहे हो आप, हमारे वोट से जीत रहे हो तो कम से कम हमारे प्रतिनिधि तो बनिए। तो आप जो है हमारे प्रतिनिधि नहीं बन रहे हैं, आप जो है पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, जो पार्टी विप से बंधा हुआ है। आज बड़े से बड़े चिंतक और अच्छे नेता की औकात नहीं है कि वो पार्टी हाई कमांड से हट के बात करे। तो हम कैसा देश पैदा कर रहे हैं यहाँ पे 66% लोग, आपके आपके घर में भी जो है ना, यदि 3 में से 2 लोगों को कैंसर होगा तो कितने लोगों को कैंसर होगा जरा कैलकुलेट करिए। यदि यदि उतने लोगों को कैंसर होगा तो आपकी स्थिति क्या होगी? एकदम एकदम सही बात। आप उनका इलाज कैसे कराओगे? इस हाँ। देश में 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर टैंकरों में जो ना दूध जो ना बेचा जा रहा है, जो कि हार्मफुल जो है यूरिया जैसे केमिकल से बनाया जा रहा है, जिसमें रिसर्च कह रही है कि 4 साल तक यदि ऐसे दूध को कंज्यूम कर लेंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। हम क्यों सो रहे हैं? कब तक सोएंगे? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आप सही मुद्दों पे जो है ना आप लोग वो नहीं करते हैं। नहीं नहीं, वो मुद्दा सर इसको इसको भी अलग से करेंगे। अभी सर इसको कह रहा था, जैसे आप जवाब बताया पुलिस, मैं ये कह रहा हूँ तो, कि कोर स्टोरी जो है बड़ी बनाइए, छोटी मोटी तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। और दूसरी बात, इसमें मैं आपके बिना कहे बता दूं, इसमें पुलिस विभाग को ज्यादा चिंतन करना चाहिए, पुलिस विभाग को अच्छी फैसिलिटीज को एनालिस्ट करना चाहिए और उसमें घपला ना हो लोगों को जमा उतने पैसे में। देखिए 2000 में अच्छे ढंग से चेकअप हो सकता है, क्यों? क्योंकि इतने इतने लाख लोगों को चेकअप कराना है, राइट? और हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के हर व्यक्ति का चेकअप होना चाहिए, भाई जो है ना पुलिस अलोन। नहीं नहीं, मतलब पुलिस में क्या होता है, इनका शेड्यूल ऐसा होता है ना, ईस्ट कांस्टेबल का इनका शेड्यूल ऐसा होता है, हेड कांस्टेबल का 24 घंटे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम इतनी घटिया व्यवस्था क्यों बना रहे हैं कि हम एक व्यक्ति को 24 घंटे पेरे हुए हैं। हाँ, थानों में स्टाफ क्रंच तो है सर, ये तो मतलब आपके टाइम भी रहा होगा। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि भारत का हर नागरिक पुलिसमैन है, आपको ये जानकारी है क्या? ये नहीं, मतलब शांति नहीं, मैं आपको होती है, मैं आपको लीगल दृष्टि से बता रहा हूँ, आप भी एक पुलिस वाले हैं, आपको मालूम है क्या शांति समिति में जो होते हैं? अरे शांति समिति छोड़ दीजिए, आप पुलिस वाले हैं, आपको मालूम है क्या? नहीं सर, क्राइम, आपका नाम क्या बताया आपने? अंकित, अमित, क्या बताया? अंकुर, अंकुर, अंकुर। तो अंकुर जो है, जो कि हितवाद के जो है प्रवक्ता है या संवाददाता है, जो भी है, जो रिपोर्टर है, वो एक पुलिस वाले हैं। और हम और उस पुलिस, आप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप जो है सिविल ड्रेस के पुलिस वाले हैं और हम यूनिफॉर्म के पुलिस वाले हैं, ठीक है ना? इतना ही फर्क है केवल। सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत आप जो है लीगल ड्यूटी से बाउंड हैं रिपोर्ट करने के लिए। सेक्शन 41-42 आपको जो है अपराधियों को गिरफ्तार करने की जो है छूट वो देता है, हक देता है, हक नहीं देता है, जिम्मेवारी देता है, राइट? डू यू नो यू आर हैविंग द पावर ऑफ अरेस्ट? नहीं सर, अरेस्ट करवा सकते हैं, कर नहीं सकते, नहीं, आपको पावर ऑफ अरेस्ट है। यदि आपकी उपस्थिति में कोई अपराध हो रहा है, वहां पुलिस भी खड़ी है, तो भी आप अरेस्ट कर सकते हो। यू कैन अरेस्ट इवन इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। डू यू नो दिस? नहीं सर, ये बात नहीं, आम आदमी को नहीं पता, ये नहीं पता मुझे। हाँ, नहीं ये पता। है, पुलिस खड़ी हुई है और यदि वो काम नहीं कर रहा है आप अरेस्ट कर सकते हैं, और यदि वहीं पे पुलिस है तो उसी को हैंड ओवर करेंगे। और पुलिस शुड नॉट अरेस्ट हिम, पुलिस शुड री अरेस्ट हिम। वो बताएंगे अंकुर ने पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया है, मैं री अरेस्ट कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर, हाँ। और सर वैसे कहाँ सर रहते, कहाँ पे वैसे आप, मतलब? मैं भोपाल में ही रहता हूँ। कहाँ रहते हो सर आप, मतलब कोई मुलाकात था जिसे कर लिया? हाँ जरूर कर सकते हैं। देखो मैं आपसे बताऊं कि आप रिपोर्टर के साथ साथ जो है देश के नागरिक भी हैं जी सर। आप लोग कहाँ सो रहे हैं? आज पत्रकारों ने अपना जो है डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ का जो है ना हक खो दिया है। अपना हक पहचानिए, जिम्मेवारी पहचानिए।
नहीं, हम इतने असहाय नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि हम असहाय भी हैं तो हम जो है जॉब में असहाय हो सकते हैं, एज ए सिटीजन तो हमको असहाय नहीं होना चाहिए। क्या हम एज ए सिटीजन अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, मैं आपको अभी SMS से लिंक भेजूंगा, जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की ऐप की लिंक, उसकी यूट्यूब की लिंक भेजूंगा, उसे सब्सक्राइब करिए, जिसमें 4,800 वीडियो हैं जो बता रहे हैं ये देश कैसे बदलेगा। जो ये बता रहे हैं कि आपके 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, ना आपको जुलूस निकालना पड़ेगा, ना पिटीशन देना होगी, ये देश बदल जाएगा यदि ये आज के जो हरणकरणदाता और आपके जो है ना फर्जी नेता, मैं उनको फर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि आज हर नेता दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के जो है ना जीत रहा है, और ये अपराध है। तो ये राजनेता अपराध करके जीत रहे हैं, और जिन पब्लिक से के जो है ना वोट से जीत रहे हैं, ये इतने दुष्ट हैं कि उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। आज कोई भी नेता आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो पॉलिटिकल पार्टी का बधुआ मजदूर है। कल यदि मैथिली शरणगुप्त किसी पार्टी को जो है ज्वाइन कर लेंगे बिना शर्त के, तो वो भी बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। आज जो जिस गरज के साथ मैथिली शरणगुप्त बोल रहे हैं, वो आवाज गायब हो जाएगी, वो भी एक बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। सर आप प्रॉपर क्या बिहार के रहने वाले हो क्या? है कहाँ के? बिहार के रहने वाले हो प्रॉपर आप? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैथिली शरणगुप्त जहाँ के हैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, वहीं गए आप? जी मैथिली गुप्त। अच्छा, मैं अभी यूपी में गाजीपुर का ही हूँ, मतलब मैं बनारस के पास का। जी 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 जी, कहीं मिलूंगा सर आपसे? वैसे आप जरूर मिलिए, लेकिन उसके पहले 3 काम कर लीजिए और 3 मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। जी सर, पहला प्रश्न ये है कि आपको अच्छा भारत चाहिए? हाँ सबको चाहिए सर। आज के नेता देंगे क्या आपको? आपके नेता देंगे क्या? हाँ नहीं, मैं जवाब दो आपको। नेता नहीं करता ना सर, सब सिस्टम है, सिस्टम जैसे चलेगा वैसे नेता। सिस्टम अच्छा, नेता अच्छा, सिस्टम बुरा, नेता बुरा। सिस्टम में क्या बुराई है भैया? सिस्टम में लिखा है कि जो ना दारू बांटोगे, साड़ी बांटोगे, पैसे बांटोगे, तो एक अपराध होगा, तो आप उसे अपराध करके जीत रहे हो। सिस्टम में कहाँ लिखा हुआ है कि साहब अपराध करके जीतो आप? नहीं, अपराध पर सजा है, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा ना सर। एग्जीक्यूशन नहीं तो ये किसकी जिम्मेवारी है सर? जुडिशरी को भी देखना चाहिए। नहीं, देखिए देखिए, ये जुडिशरी कौन है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, ये शर्मिंदगी का विषय है कि हमारे देश राजनेताओं ने अपने देशवासियों पे वही घृणित कानून थोप के रखे हैं। आपके ऊपर कौन से कानून थोपे हुए हैं आपको मालूम है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू नो आपके ऊपर कौन से कानून थोपे हुए हैं? हाँ सर, बहुत पुराने कानून है ये, मतलब बहुत पुराने नहीं, अंग्रेजों के दर बनाए गए वो कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति दोबारा ना हो उसकी दृष्टि से बनाए थे, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। यह अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि हमारे राजनेताओं में इतनी अकल भी नहीं है कि उन्हीं नियमों को आपके ऊपर थोप के रखा है, जिसे आप डेमोक्रेसी, एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए, एक जो डेमोक्रेसी आप कहते हो, डेमोक्रेसी क्या है? हमारे बोर्ड से जो रिप्रेजेंटेटिव हो, गवर्नमेंट बाय द पब्लिक, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट? तो भैया आप जिन जो हमारे बोर्ड से जीत रहे हैं, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, चाहे उन्होंने अपराध घटित करते हुए दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसा बांट के क्यों ना जीते हो, लेकिन उन लोगों को कम से कम हमें तो रिप्रेजेंट करना चाहिए। आज एक राजनेता जो है जिनके वोट से जीता है उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अपने पार्टियों का बंधुआ मजदूर है, गुलाम है। वो कितना भी बड़ा चिंतक और कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसकी जवान जो है पार्टी भिप के सामने बंधी हुई है, नहीं तो उसका हाल गडकरी जैसा हो जाएगा। बताइए मेरे जो है ना इस समय नितिन गडकरी से अच्छा प्रशासक है क्या कोई? ये बात सही है सर कि वो मतलब वो आदमी अपने मतलब पर्सनल लेवल पे ठीक है, और मतलब पर्सनली वो काम सिर्फ उसी का डिपार्टमेंट जो है एक्चुअली काम कर रहा है, रोड वोड जो बन रही है, थोड़ा सा क्रेडिट ले रहे हैं अपने PM साहब।
नहीं क्रेडिट को छोड़िए, कम से कम उसको उत्पीड़ित तो मत करिए, कम से कम उसको पार्लियामेंट बोर्ड से तो मत हटाइए भैया। नहीं नहीं वैसे तो कम से कम उसको मार्जिनलाइज तो मत करिए भाई। सर वैसे तो राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, बट उनको भी कहां खत्म ही कर दिया ना, कहां अपना डिसीजन ले पाए। तो भैया ये खत्म करने वाली राजनीति क्यों है? और दूसरी बात है कि हम कब तक जो है ये गुलामों के नियम कानून ढोएंगे और क्यों ढोएंगे? इस देश में जो है केमिकल जो है का बार आपके ऊपर हो रहा है, आपकी जो खेती है आपको मालूम है, आपको बीमार होने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अन्न खा लीजिए क्योंकि आपका अन्न विषाक्त हो गया। दोबारा से आया था। अच्छा तो सर फिर इस मतलब ये टॉपिक सर आपसे बात करना अच्छा लग रहा है, बहुत करेंगे भी इस पे अभी सर, इस टॉपिक पे कर लें सर की जो पुलिस का जो जवान है जो देखिए इसमें मुद्दे की बात यह है कि सोच अच्छी है, चिंतन अच्छा है, थोड़ा सा और होमवर्क करना चाहिए, पैसे देने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसमें जो है हमें अच्छी लेबोरेटरीज की का जो है ना एनरोलमेंट करना चाहिए, 2000 कम राशि नहीं होती है। हाँ। और जो टेस्ट करने में इतना ज्यादा जो है ना पैसा नहीं लगता है, जो आपसे कॉमर्शियली चार्ज कर रहे हैं वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, राइट? सर एक बताओ, आप नॉर्मल अभी लाल पैथ लैब या भोपाल में इतनी भी लैब चलती, किसी को फोन करो पूछो कि भैया आपके चार्जेस क्या है, नॉर्मल एक उन्हीं के जो है ना पैकेज आ गए हैं जो 1500 में आपको सभी टेस्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो जब जो है आपके और हमारे जो है ना टेस्ट 1500 में हो जा रहे हैं, यदि जो है ना 1,00,000 और 1.5 लाख लोगों का यदि टेस्ट कराना है तो वो जो 7,00,000 रुपए में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, नहीं वो एनुअल नहीं है सर, ऐसे पैकेज नहीं जो एनुअल, वो ऐसे टेस्ट होंगे जो 3-4 महीने दोबारा कराने होंगे आपको, पूरी बॉडी का चेकअप 2000 रुपए में भोपाल में या इंदौर में नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव चेकअप जो है ना वो 6,000-8,000 में हो रहा है सर, तो हम ये कह रहे हैं कि और सर सपोर्ट खर्चा नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ, खर्च है ना सर, छतरपुर में आपको छोटे शहर में तो ठीक है, तो भैया इंदौर में भोपाल में आप क्या चाहते हो, 10,000 का जो ना वो दिया जाए उनको, क्या चाहते मतलब हो मुझे? तो 10,000 सरकार से कहिए 10,000 का वो कर दें, क्या दिक्कत है? हाँ मतलब ये अगर हो कि थोड़ा बढ़ा के, मतलब क्योंकि देखो थोड़ा बढ़ाने का कोई जो है ना अंत नहीं है, ये लालच का विषय है। अच्छा ये लालच का विषय है, जो टेस्ट करने में जो केमिकल्स लग रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा लग रहे हैं। जो मशीन में आप ट्रेडमिल कर रहे हो उसमें जो है ना वो मशीन तो जाना यदि 1,00,000 लोगों में चल रही तो वो मशीन तो मशीन ही है, वो तो उसमें थोड़ी ज्यादा लागत आ रही है, उससे हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इसलिए ये पैकेज महंगे हो रहे हैं। और बहुत सारे पैकेज जो है ना इंश्योरेंस से गवर्न है, तो इंश्योरेंस जो है ना आपसे प्रीमियम ज्यादा ले रही है और उनको पे कर रही है, दोनों की सब साठगांठ हो रही है। आपने अभी अमेरिका का जो है ना वो लीकेज नहीं देखा था कि जो है ना इंश्योरेंस कंपनी कितने जो है ना कितना ज्यादा पैसा जो है ना लॉस ऑफ सेनेटर्स को बांट रही है, आपने अमेरिका से वो एक साल पहले देखा होगा, इट वाज ऑफ अमेरिका। तो जैसे अमेरिका जैसे देश में ये साठगांठ हो रही है तो फिर इंडिया तो बहुत छोटी है। हाँ यहाँ पर तो मतलब यहाँ तो मतलब फिर इसको ऐसा करना चाहिए कि राजधानियों में सपोज भोपाल में और इंदौर में जो लैब्स हैं यहाँ पर जो लोग हैं, इसमें हमारा कहना है पैसा बढ़ाने के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी चेक क्या क्या होना चाहिए वो इंक्लूड किया जाए, लोगों से नेगोशिएट किया जाए, और उसमें यदि वो कोई घपला करता है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी और उसकी रिकवरी का प्रावधान उस एग्रीमेंट में ही किया जाए। और ये बेसिकली 45 नहीं तो एक बड़ा सिंपल काम है जी सर, डिपार्टमेंट अपनी मोबाइल टेस्ट बना ले, क्या दिक्कत है? मोबाइल टेस्ट को लगा दो सभी जो ना जिलों को कवर कर लेगी महीने साल भर में, क्या दिक्कत है? तो उसमें उसमें इससे कम खर्चा आएगा। नहीं तो उसमें एक्सपर्ट्स कैसे हायर करोगे आप, मतलब वो कौन करेगा, कौन से कितने एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, रूटीन टेस्ट है आप जो है ना जो आपकी मोबाइल लेबोरेटरी होगी उसमें जो है ना 5-7-10 आदमी लगा दीजिए पर्याप्त है, या 10 आदमी ज्यादा सर लगा लीजिए, 10 आदमी की सैलरी कौन सी बड़ी होती है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 कितना होता है? 20 करोड़ कितना होता है? 20 करोड़। तो 20 करोड़ में जो है ना आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा सकते हैं क्या? 1,00,000 है भी नहीं ना, यहाँ से 30,000 लोग हैं, 45+ नहीं 1,00,000 के लगभग है, 70,000 मतलब 1,00,000 से अब जो है इसमें मध्य प्रदेश की सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है ना 1,30,000 से के लगभग है। लेकिन जिनके लिए टारगेट जो ग्रुप है वो 45+ एज वालों का, जो ये ग्रुप जिसकी बात हो रही है 30,000 के आसपास ही है ये लोग। अरे अब तो जो है ना जो यंग बच्चे हैं उनका ज्यादा टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि उनका खान पान गड़बड़ हो गया है, वो जल्दी बीमार हो रहे हैं, वो जल्दी मर भी रहे हैं, उनको हार्ट अटैक भी आ रहा है। और रही सही कसर जो है हमारी वैक्सीन ने पूरी कर दी है, वैक्सीन ये बात सही है सर, ये गड़बड़ तो हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर उसमें, बहुत भैया ये गड़बड़ होने के लिए
क्या हमें एहतियात नहीं बरतना चाहिए थी जब ढेर सारे जो है आयुर्वेदिक काढ़े और वो सब चीजों में, जिससे कि वायरस, आपको मालूम है मैंने ही एक रिसर्च की थी नींबू के ऊपर कि नींबू का रस कोरोना वायरस को मार रहा है, जिसके बारे में 5 पत्र मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे थे। मैंने जो है ना कोरोना चीफ जो है ना डॉक्टर पांड्या से भी बात की थी और डॉक्टर पांड्या को मैंने बताया कि भैया मैंने इस तरीके से आरटीपीसीआर में ये टेस्ट करके ये स्थापित किया है कि कोरोना वायरस मर रहा है नींबू के रस से, तो आपको सिर्फ 2 बूंद नींबू का रस डालना है और यदि मान लो वो फेफड़े को भी प्रभावित कर लिया है तो जो है ना पानी में जो है ना 2 नींबू निचोड़ के उसकी भाप ले लीजिए, जो रिसेप्टर पे भी कोरोना बैठा है वो भी मर जाएगा। और यदि उसमें 3-4-5 दिन आप लेट हो गए हैं और उसने आपको कुछ एडवर्सली इफेक्ट कर लिया है तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ काढ़े ले लीजिए। डॉक्टर पांड्या हमको जवाब देते हैं कि सर हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको लज्जा नहीं आती है कि आप रोज जो है प्रोटोकॉल को बदल रहे हैं, जो कि साइंस नहीं कहती कि रोज प्रोटोकॉल बदलते हैं और आपके जो है ना प्रोटोकॉल फतवा है। तो बोले कि साहब आप अपने सीएम से बात करिए, एसीएस हेल्थ से बात करिए। हमने कहा आपके फतवों के बारे में के साथ में क्या माननीय तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की हिम्मत है कि वो आपके फतवे के अगेंस्ट चले जाएं? नहीं, इस भाषा में लहजे में कितने लोग बात करते हैं? नहीं सर, होना चाहिए वैसे, मतलब क्वेश्चन तो करना चाहिए हर चीज को। आप कर रहे हो तो अच्छी बात है सर। कभी मैं यही कह रहा हूं कि इस देश के साथ क्या क्या किया जाएगा, क्यों किया जाएगा। यदि इस देश में जो है भाजपा के ही गवर्नर आचार्य देवव्रत ने रिसर्च करके ये पाया है कि 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं देसी गाय के गोबर में, और जो जो गाय दूध नहीं दे रही है वो देसी गाय के 500 करोड़ हैं, तो आप बताइए उसको जीवामृत गवर्नर अमृत में कन्वर्ट करके आपको क्या जरूरत है जो है ना आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। और ये बताइए किसान को क्यों लज्जा नहीं आती जब किसान कहता है कि मैं अपने लिए तो जो है ना 1 एकड़ में जैविक खेती करता हूँ और बाकी के लिए जो है ना मैं जो है रासायनिक विष पैदा करता हूँ जिससे जो है ना उसको कैंसर हो जाए। तो आप अन्नदाता कहलाए या कैंसर दाता कहलाए? सर मृत्युदाता हो गया वो तो खैर, लेकिन आप जो पिट्यूटरी इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके कारण जो है कैंसर जो कि कैंसरस है, तो आप क्या हैं? आप मिल्क दाता हैं या आप कैंसर दाता हैं? ये क्वेश्चन कौन पूछेगा जब 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में पैदा हो रहा है, किसी को नहीं दिखेगा? आप किस भयावह भारत को पैदा करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? जब 3 में से जो है ना 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा उस समय इस देश की स्थिति क्या होगी, किस कृषि कैसी होगी, सर्विस सेक्टर कैसा होगा? जब हम आपको फोन करेंगे आप कहेंगे अंकल सर मैं आपको अभी 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, मैं अपने जरा फादर का या अपने ब्रदर का जो है ना कीमोथेरेपी करके फिर सर आपसे बात करता हूँ। बहुत 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 बुरा, मतलब तो ये आपका जीवन है, ये आपको कैंसर आपके ही भाई को होने वाला है, तो आप अपने आप को दूर क्यों रखे हुए हैं? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि किसी दूसरे के साथ होगा? भाई साहब आपके साथ भी होगा ये, तो आप सोए क्यों हैं? ये आपकी प्राथमिकता क्यों नहीं है? चलिए छोड़िए, हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, तो मिस्टर अंकुर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे सर मैं बिना रिकॉर्डिंग बात नहीं करता हूँ, आपको मालूम है कि नहीं? पर जान सर सबके फोन में होता है, पुलिस में तो होता ही यूजुअली। नहीं, हम तो अनरिकॉर्डेड बात नहीं करते हैं, रिकॉर्डेड बात होती है और वो हमारे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होती है। क्राइम फ्री भारत? यस गुड, ये यूट्यूब चैनल है हमारी। अरे वाह सर, मैं अभी इसको सब्सक्राइब करता हूँ सर, आप मुझे भेज दो ना। मैं आपको जो है एक तो ऐप की लिंक भेजूंगा, आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि ये सवाल आपका नहीं आपके बच्चों का है, आपके भविष्य का है। जी सर। आप अपने भविष्य को जो है ना इन राजनेताओं को जो स्वयं जो है अच्छे नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, करोड़ों रुपए लेकर टिकट देती हैं, फिर करोड़ों रुपए खर्च करा के जीतती हैं और दारू और पैसे और साड़ी बांटती हैं, ये बताइए ये आज की डेट में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है सर। जो आपके राजनेता कानून बनाने वाले हैं वो अपराध करके कानून बनाएंगे, आपको ये मालूम है? एक और चीज आपको बता दूं, आपको नहीं मालूम होगी, पिछले 8 साल में 3 PIL लगी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मजनून था कि
जब इस देश में चपरासी बनने के लिए जो सबसे छोटा पद है जिसमें कि कोई जो है ना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते हैं, आपको साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित भी होना चाहिए, और यदि पुलिस नेगेटिव रिपोर्ट दे देगी तो आपको नौकरी लगने के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। हाँ सर हाँ। तो फिर इस देश के भाग्य विधाता और कानून के निर्माता राजनेता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुश्चरित्र और अपराधी क्यों? इस तीनों जो है ना पिटीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्राह्य किया गया। तीनों पिटीशन में एक ही जो है ना अनुरोध किया गया पार्लियामेंट से कि साहब आप एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। आप मुझे बताइए अभी 2019 का जो पार्लियामेंट 2019 से 24 वाला, इसके जो है ना उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, 29% जो है ना लोग दे आर जो है हैविंग वेरी हीनस ऑफेंस, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। हाँ सर हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना लोगों को तीन तीन बार अनुरोध होने के बावजूद भी आपने जो है ना अपराधियों को ही टिकट दी। आपको मालूम है अभी जो उत्तर प्रदेश का 2022 में चुनाव हुआ था उसमें 51% 403 में से 205 लोग जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अब आपको मालूम है 10 मई में जो कर्नाटक का चुनाव हुआ इसमें 55% एमएलए जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और अभी इन पांच राज्यों का विश्लेषण आ जाएगा मेरे ख्याल से 60-65 पे तो हम पहुंच ही गए होंगे। क्या कर रहे हैं हम? नहीं, इस पे कोई चिंतन नहीं है। आपकी आवाज बंद है? नहीं सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते तो उसमें चार आदमी नहीं पहुंचते हैं। नहीं तो आप सर मुझे पता नहीं चला, आप जब भी ब्लॉग में आऊंगा सर। ली थी उसमें मुश्किल से 11 आदमी थे। नहीं आप मुझे आप अपने आप अच्छा आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते हो आप, किसके थ्रू? मैंने तो एक पत्रकार जो है ना, हमने हमारे पत्रकार 5-6 हजार हमसे जुड़े हुए हैं, उनको तो मैं सीधे ही भेज देता हूँ। राइट, तो आप मुझे आपको भी जोड़ लूंगा। आप जो है टेलीग्राम ऐप में हमसे जो जुड़ जाइए, अभी हम आपको 3 लिंक भेज रहे हैं और आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। मिस्टर अंकुर, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर क्या सबको सब कुछ पता है आजकल सर, यूट्यूब पे हर जगह चीजें, देश को मतलब क्या है वो सबको पता ही है सर, क्या होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। हम अंधभक्त हो चुके हैं, हम दल गुलाम हो चुके हैं, हम सही बात देख नहीं पा रहे हैं। ये बताइए, इस देश में हमारा संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, 20% हिस्सा बाबा आम्बेडकर की देन है जिसमें तीन चीजें मुख्य हैं, संविधान का प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप ही बताइए, हमारे राजनेताओं ने 1954 में वक्फ एक्ट कैसे बनाया? क्या ये संविधान का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है जो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति पर जो है आप वो नहीं कर सकते हैं? आप जो है धर्म, जाति, रेस, सेक्स और रिलीजन के आधार पर आप मतभेद नहीं कर सकते हो। तो वक्फ बोर्ड एक्ट क्या धर्म के आधार पर मतभेद और भेदभाव है कि नहीं है? यस और नो? एक्ट एक्ट है भैया, इसमें जो है ना 2005 में जो ना संशोधित करके और उसको विभत्स बना दिया है, 2011 में उसमें और संशोधन किए गए उसे और विभत्स बना दिया है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आप पत्रकार हैं। अच्छा ये बताइए, ये बताइए क्या जो है मंडल कमीशन बन सकता है? क्या मंडल कमीशन जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो फिर कैसे बन गया? और कितने जो है ना हजारों बच्चों ने जो है ना उस समय आत्मदाह किया, इन दुष्ट राजनेताओं को बिल्कुल दया नहीं आई देश के ऊपर? नहीं, आप मुझे बताइए ना। हाँ हाँ गलत है। तो जो इस देश में जो है जब सेक्शन 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो 1952 में कैसे जो है कम्युनिटी बेस्ड जो है ना कानून बनाए गए? कम्युनिटी बेस्ड कानून नहीं होने चाहिए, सही बात है। नहीं नहीं नहीं, कैसे गए ये क्या? नहीं नहीं, एक मिनट सर, पर्सनल लॉ इज डिफरेंट थिंग। अगर जैसे 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 बना रहे कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ, पर्सनल, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। पर्सनल लॉ शुड सीज टू एग्जिस्ट, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये आपके संविधान का दिशा निर्देश है, तो जो पर्सनल लॉ चल, जस्ट ए मिनट, जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं हम उनको पका के यूनिफॉर्म सिविल कोड क्रिएट करें। ये होना चाहिए, सीज टू हैपन।
तो आपने ऐसा ना करके कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून बना दिए, इसका मतलब है कि आपने संविधान के डायरेक्शन की यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा उसका, ये संविधान का जो है चाहे इन्फोर्सिबल ना हो लेकिन ये संविधान का दिशा निर्देश है। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने संविधान के दिशा निर्देश का जो है ना उल्लंघन किया। नहीं, इनकी दुष्टता के बारे में हम कभी चर्चा करेंगे? करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्या ये दुष्टता है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। सर सर है सर, बिल्कुल। तो इसकी बात कब करेंगे आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि जो है ये बताइए, वर्सिप प्लेस एक्ट कैसे बन गया? क्या वर्सिप प्लेसेस एक्ट में जो आधार दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो स्थिति होना चाहिए वही स्थिति बरकरार रहेगी? हाँ। तो वो आप मुझे बताइए, 15 अगस्त 1947 के पहले ही सभी आतंकवादी आक्रमणकारी आ चुके थे ना? हाँ। उन्होंने भारत माता के जो श्रृंगार, जो वस्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर थे, उनको तोड़फोड़ किया। हाँ। तो क्या भारत माता के चेहरे को जो विकृत किया गया वो सब 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ। तो 15 अगस्त 1947 की डेट तय करके क्या आपने भारत माता को ये कहने की कोशिश की है कि हे भारत माता, तू गुलामों की माँ है, तिसको समय समय पर आतंकवादियों और आक्रमणकारियों ने जो जख्म दिए हैं तू इन्हीं जख्मों के साथ जी, मैंने वर्सिप प्लेस एक्ट के माध्यम से तेरे चेहरे को जो है ना इसी कुरूपता से जीने के लिए एक नियम बना दिया है। नहीं सर, वो समझो सर, वो जरूरी था, मालूम क्यों? क्योंकि आप पुराने जख्मों को कुरेद के कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वास्तुकला फिर से बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत सारे मंदिर बन जाएंगे। आपसे जो है इस मुद्दे पे थोड़ी देर से बात करेंगे, सेशन में बात करेंगे, लेकिन ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। मिलके सब मिलना चाहूंगा कभी, जरूर जरूर मुलाकात करेंगे। आज स्टोरी फाइल करके मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा कल और फिर फोन करता हूँ सर। जरूर जरूर जरूर। ओके सर, बाय। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो मैंने आपको तीनों मैसेज भेज दिए हैं। ओके सर। पहले मैं जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का है जिसको डाउनलोड करके आप अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा भारत बना सकते हैं। जी सर। दूसरा जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक है जिसको आप सब्सक्राइब करके, उसमें 4,800 वीडियो हैं कि कैसे जो है ना ये देश बदलेगा, कैसे गुलामों के नियम कानून बदलेंगे, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, कैसे खर्च फ्री जो है ना चुनाव व्यवस्था संभव होगी, जहाँ खर्च करना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होगा और 1-to-1 कैनवासिंग भी एक अपराध होगा। अद्भुत जो है ना भारत सम्मान पैदा कर सकते हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप उसमें देखिए और पत्रकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक भारत के हिंदुस्तानी, भारत के एक नागरिक के तौर पर देखिए और ये सोचिए कि आपकी अपनी भूमिका क्या हो सकती है। जी सर सर सर। यदि आपको अपनी भूमिका समझ में ना आए, हाँ सर, तो हाँ, आप सर, मुझे दोबारा रिंग करिए, मैं समझाऊंगा कि आपकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, सर। चलिए इसको चेक करके, डाउनलोड करके एक बार फिर मुझसे बात करना। ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।